नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर, जहां पर एमपी बोर्ड की तरफ से आए एक और नए नोटिस की जानकारी आप सभी छात्रों को दी जा रही है। यदि आप भी एमपीबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को दे चुके हैं तो आपके लिए रिजल्ट का इंतजार होगा। तो रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आज आपको प्राप्त करना आवश्यक है, तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी इस खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी। एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स जो कि रिजल्ट की तलाश कर रहे हैं, इसके अलावा नए आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए mpbse.nic.in पर तमाम अपडेट्स मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रिजल्ट सेक्शन पर आप सभी के लिए रिजल्ट का विवरण प्राप्त होगा। उससे पहले आपके लिए आए नवीन नोटिस का विवरण जानना आवश्यक है। क्या यह खबर सच्ची है या फिर आप सभी के रिजल्ट को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट है, तो आप सभी नए सर्कुलर और ऑर्डर के मुताबिक इस प्रिंट को अवश्य देखें। हाल ही में आए आदेश के मुताबिक आप सभी के लिए रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है, तो इस अपडेट को आप सभी इस नोटिस के मुताबिक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की तरफ से यह नोटिस प्रकाशित किया गया है, जिसमें हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कक्षाओं की प्रायोजित परीक्षा अंक उपलब्ध कराने हेतु इस विषय के तहत यह नोटिस जारी किया गया है। तो आप सभी के लिए हम बता दें कि इस नोटिस के मुताबिक कहा गया है कि 2024 में होने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत सभी नियमित और स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोजित परीक्षा आयोजन हेतु जारी प्रमाण पत्र, इसके तहत यदि अब तक पोर्टल पर अंक नहीं जारी किए गए हैं तो आप सभी के लिए निर्धारित समय दिया गया था 6/4/2024, लेकिन अब यह समय बढ़ाकर आप सभी के लिए 14 अप्रैल 2024 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि 14 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आएगा। यह मुख्य कारण है कि 14 अप्रैल तक ऑनलाइन अंक अपलोड की प्रक्रिया चलने वाली है, जो कि 12 बजे तक रहने वाली है। इस प्रकार से 15 अप्रैल के बाद यह प्रक्रिया ऑनलाइन लगातार चलने वाली है, जिसमें 5 से 7 दिन लग सकते हैं। इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक आप सभी छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाना संभव है। यदि आप भी रिजल्ट की तलाश कर रहे छात्र हैं तो आपके लिए लगातार नोटिस के मुताबिक यहाँ पर खबरें प्रदान की जा रही हैं। आपको बताने की इस नोटिस के मुताबिक प्रायोजित परीक्षा के अंक अपलोड करने हेतु कहा गया है। यदि आपने अब तक अपने स्कूल विभाग के द्वारा यह जानकारी दर्ज नहीं करवाई है तो आपके लिए यह जानकारी बहुत जल्द मिलने वाली है, लेकिन आपके लिए इसके लिए कोई भी कार्य नहीं करना होगा। यह कार्य स्कूल विभाग का है, जो कि वह स्वयं करेंगे। इस प्रकार से आप सभी के लिए बहुत जल्द पोर्टल पर कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मिलने वाला है। तो बिना किसी परेशानी के आप सभी हमारे साथ जुड़े रहकर रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जल्द प्राप्त करने वाले हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप सभी को अपडेट्स मिलेगी। धन्यवाद।